हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका, जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनिता। बुलेटिन का आगाज करते हैं गुरुग्राम की खबर के साथ। गुरुग्राम में चल रहे दो दिवसीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का आज समापन हो गया। सीएम मनोहर लाल ने इस सम्मेलन का समापन किया और पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी बताया। इस सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और आज की प्रदर्शनी एग्जीबिशन में 110 कंपनियों ने भाग लिया और वहीं देश के 150 से ज्यादा युवा पुलिस अधीक्षकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आज यहां डीपीआरएनडी और फिक्की के सहयोग से देश भर के यंग एसपीज की एक कॉन्फ्रेंस, थर्ड कॉन्फ्रेंस है रादर, दो पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी कॉन्फ्रेंस ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है और एक अच्छा अवसर हमको हरियाणा को मिला है कि उन सब की दो दिन की कॉन्फ्रेंस यहां हुई है और उनको पुलिस की मॉडर्नाइजेशन, पुलिस में टेक्निक का किस प्रकार से सहारा लेना और एक्सपो, पुलिस एक्सपो 2020, इसका भी एक प्रश्न किया गया कि पुलिस में किस प्रकार के टेक्निक से, किस प्रकार के ऐसे नए आधुनिक उपकरण, इनको यूज करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना, शांति बहाली करना, ये एक कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के निगम कार्यालय का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और गर्मियों में शहरवासियों को पर्याप्त पानी देने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हाईवे पर बारिश से जमा पानी को जल्द निकालने के आदेश जारी किए। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों से एक हफ्ते में शहर के सभी डिस्पोजल और पीने के पानी के बूस्टर को दुरुस्त करने की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी बरतें और सतर्कता बरतें। चीन में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने भारत में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा अलर्ट पर है और वहीं रतिया में भी नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जिसमें एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। हाँ, क्या है सर इसमें पंपलेट में? कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए गोहाना के खानपुर गांव के मेडिकल महिला कॉलेज में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ नर्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर सभी डॉक्टरों और स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने बताया कि अभी तक यहां कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं पहुंचा है और आगे आवश्यकता पड़ने पर वार्ड में बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी और वहीं विभागाध्यक्ष को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर किसी मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे तो संबंधित विभाग को अवश्य सूचित करें। हमने यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी सस्पेक्ट कोरोना वायरस का आता है तो वार्ड 9 के अंदर हमने एक आइसोलेशन केबिन तैयार किया है, जिसके अंदर 6 बेड है और ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था उसमें रखी गई है। अगर किसी तरह का भी सीरियस कंडीशन में पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी पूरी केयर की जा सकती है। इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी रखा गया है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हमारा स्टाफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। तो अगर इन्फेक्शन किसी पेशेंट को है तो वो किसी हेल्थ वर्कर को भी हो सकता है, डॉक्टर्स को या सिस्टर को भी ये इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो उसके लिए N95 मास्क और पूरा कम्प्लीट गाउन सिस्टम है, जो एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको पूरी तरीके से हमने वहाँ पर अरेंज करके रखा है, जैसे हमारा स्टाफ भी इस बीमारी से बचा रहे। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए जबकि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। महिला वर्कर्स का कहना है कि वो कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसका निदान होना चाहिए और उनको जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो भी सरकार की ओर से करके देने चाहिए।
चेन्नई के अंदर जो CI2 का ऑल इंडिया सम्मेलन हुआ उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था, क्योंकि जो महिलाएं, जितनी भी महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, उनके कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए सरकार को, सरकार ने एक जगह भी इन कमेटियों का गठन नहीं किया। दूसरा जो है महिलाओं के साथ जो समाज के अंदर दोगला व्यवहार और डिपार्टमेंट के अंदर भी जो दोगला व्यवहार अपनाया जाता है, हम ये चाहते हैं कि 1 करोड़ के लगभग परियोजना वर्कर्स इस देश को का काम चला रही हैं, हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, और हम जो है रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जेलों में जाने का हमारा यही मकसद है कि हमें जो है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के केस जो है देश में ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम जो है जेल के अंदर जाने का हमें कोई शौक नहीं, रोजी रोटी के लिए हम जेल में जा रहे हैं ताकि हमें जेल में टाइम पे रोटी मिले और हमारी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर जगह जगह आंदोलनरत हैं। आज यमुनानगर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन बढ़ाने के साथ साथ सरकार उनकी सुरक्षा के नियम भी बनाए, नहीं तो वे जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। करनाल में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आज महिला कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों और उनके साथ हो रहे शोषण को लेकर जेल भरो आंदोलन की अगुवाई की। ये प्रदर्शन करनाल के सिटी पार्क से शुरू होकर सेक्टर 12 उपायुक्त कार्यालय तक निकाला गया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। इतने पक्का नहीं करती सरकार, इतने 21,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमारी गर्मी सर्दी की छुट्टियां और जो मिड डे मील की बहने हैं, जो आशा वर्कर बहने हैं, इनका मानदेय 2018 में खट्टर साहब ने बढ़ाया था और मोदी साहब ने भी, जो हमारे 1,500-750 रुपए मोदी साहब ने बढ़ाए थे, आज तक वो लागू नहीं करे। वैसे महिला दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। हम 16 सालों से मिड डे मील बहने काम कर रही हैं, सरकार ने हमारा पैसे बढ़ाने का बिल्कुल ही मानदेय नहीं दे रही। सरकार आए और से काम बढ़ाती है, हम अगर सरकार को हमें अपना मानदेय नहीं देगी तो हम सभी मिड डे मील बहने हड़ताल शोर शराबे से करेंगे। पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बरसात के कारण जहां आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होकर रह गया है, और वहीं किसानों के चेहरों पर भी चिंता की लगी साफ साफ देखी जा रही हैं। आज तीसरे दिन भी भारी बरसात का दौर जारी रहा। बरसात के साथ तेज हवाओं और ओलावृष्टि से किसानों के आंखों में आंसू आ गए हैं। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत पर उन्हें पानी फिरता नजर आ रहा है और वहीं बरसात के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई है। आज इतनी बरसात हुई जी कि जमींदारों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि से इतना मतलब सारी कणक जो है गिरी पड़ी है। ये आज जमींदारों मतलब इसे इतना कर्जा हो रहा है जमींदारों के ऊपर, वो कैसे चुकाएंगे इसकी चिंता बहुत ज्यादा है। अभी भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज चरखी दादरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बेमौसमी बारिश से होने वाले फसल के नुकसान को लेकर अहम बयान दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्पेशल गिरदावरी भी करवाई जाएगी। जानकारी दे दें कि कृषि मंत्री केरू में होने वाली बीजेपी की प्रगति रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर आए थे। चिंता की बात है, लेकिन प्रकृति पे किसी का वश नहीं है। हरियाणा सरकार के ने मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोल दिया है कि जो भी किसानों का नुकसान होगा उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी और बीमा से अगर बीमित किसान होगा तो बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाएंगे और नहीं बीमा वाला होगा तो उसको पैसे दिलवाएंगे। नारनौंद में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। बता दें कि नारनौंद में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। गुस्साए दुकानदारों ने बंद का आह्वान किया। व्यापारियों ने नारनौंद कस्बा की मेन मार्केट को पूरे दिन बंद रखा। बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है, इसी चक्कर में आए दिन किसी न किसी से फिरौती मांगी जा रही है। हम पुलिस प्रशासन में भी गए थे, लेकिन वहाँ भी कोई उचित कार्रवाई ना करने की वजह से हमने दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। व्यापारियों से बार बार फिरौती मांगी जा रही है, प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इसके विरोध में हमने
आज दुकानें बंद, नए निश्चित काल के लिए दुकानें बंद रखने का लक्ष्य लिया। नारायणगंज की मार्केट है, ये गुंडागर्दी की शिकार हो रही है। असामाजिक तत्व हैं जो बार बार व्यापारियों को, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। अभी 20 दिन पहले भी धर्मपाल मित्तलायल मिल से 44,000 रुपये खोज छीन के ले गए थे, और भी कई वारदात हो चुकी हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अगर प्रशासन सख्त होता तो ये हालात ना होते। फतेहाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में एक युवक को काबू किया है, जिसके कब्जे से लाखों की हेरोइन बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम बस स्टैंड के पास मौजूद थी, और इसी दौरान एक युवक आया और पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगा, जिसके बाद पुलिस ने शक होने पर युवक की तलाशी ली, जिसके कब्जे से 55.20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। एक कुलवंत सिंह है, ये गांव बादलगढ़ से है, जिससे 55.20 ग्राम हेरोइन एएसआई टेकचंद नारकोटिक सेल के इंसाज ने बस स्टैंड फतेहाबाद से बरामद की। और ये जो ये सब है ना, दिल्ली के एक नाइजीरियन से ले गया था और वाया रतिया पंजाब में ये सेल करने के लिए जा रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे पूछताछ जारी है। रोहतक शहर की न्यू विजय नगर कॉलोनी में 20 साल के पॉलिटेक्निक के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और वहीं आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। परिजनों का कहना है कि रात को ललित खाना खाकर अपने कमरे में सो गया था, और करीब 9 बजे ललित के दोस्त का फोन आया था कि ललित फोन नहीं उठा रहा है, जिसके बाद ललित की मां ने कमरे में जाकर देखा तो ललित फंदे से लटका हुआ था, जिसे पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि ललित अपने 3 बहनों में अकेला भाई था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना में सूचना मिली थी कि ललित कुमार शर्मा रामेश्वर आर ओ न्यूज नगर रोहतक की मौत हुई पीजीआई में, जिस समय अपने आप फांसी लगाकर मौत होनी बयान हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम जो है करवाई उस बात में अभी तक कुछ नहीं पाया गया, अभी तक फांसी लगाने जाना है। फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर दी है, और इसके अलावा कुछ बात सामने कर दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यस बैंक पर छाए संकट के बाद अलग खाता धारकों के लिए परेशानी बन चुके हैं। अब यस बैंक के खाता धारक एक महीने में महज 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे, जिसके बाद पैसे निकालने के लिए एटीएम पर लोगों की भीड़ जुट गई है। रिपोर्ट में देखिए कि बहादुरगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है। देश के बड़े बैंकों में से एक यस बैंक पर आए संकट से करोड़ों खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अब यस बैंक खाता धारकों पर 50,000 से ज्यादा की राशि निकालने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद देश भर में यस बैंक खाता धारक पैसे निकालने के लिए एटीएम की लाइनों में लगे हैं। बहादुरगढ़ में भी सुबह से ही सैकड़ों लोग बैंक पहुंचकर अपने पैसे निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए निकालने की अनुमति दी गई है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। सुबह एक न्यूज सुनी थी यस बैंक के बारे में, यस बैंक और आईडीबीआई बैंक का क्लोजिंग पे आ गए, बंद हो चुके हैं। दुबई से न्यूज आई थी तो हम अपने पैसे निकालने आए, तो 50,000 कह रहे 50,000 पर मंथ निकाल सकते हैं, तो वही निकालने आए। महीने में 50,000 से काम चल जाएगा, 3 अप्रैल तक चल जाएगा? नहीं, मुश्किल है, पर जितनी भी सेविंग थी वो तो अंदर ही अंदर रहेगी। तो वहीं एक और खाता धारक का कहना है कि उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बयाना दे रखा है, और अगर बैंक से पैसे नहीं निकल पाए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्चुअल में हमने क्या कि बयाना दे रखा था कि प्लॉट का, और अभी रजिस्ट्री करानी थी, और अभी देखो 50,000 की लिमिट कर वो तो मर जाएगा। बनने वाला बोलेगा कि भाई हमारे को आपके हम क्या मतलब, आप क्या बैंक जाने का आप जानो। एटीएम पहुंचे एक उपभोक्ता का कहना है कि यहां बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती थी, उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई एफडी के रूप में यहां जमा करवा रखी थी, लेकिन वे अब असमंजस में हैं कि उनकी कमाई अब सुरक्षित है भी या नहीं। मुझे ये बैंक का खतरा लगा, मैं तो पैसे जोड़ के जा रखा था, अब वो खतरा लगा है, हम निकालने आए तो इन्होंने कहा एक महीने 50,000 निकालेंगे, बाकी ये मैंने मेरी एफडी थी, पूछा कहने लगा एफडी सेफ है।
अब पता नहीं शेप है नहीं है क्या है। यस बैंक पर आए संकट के बादल खाता धारकों पर भी छा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये संकट के बादल कब छटते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। चौहाना के समैण गांव में एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह के दौरान एक छत पर दो युवक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हवाई फायर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों में एक व्यक्ति जमानत पर आया हुआ था। रतिया के वार्ड नंबर 5 में विवादित प्लाट को लेकर निशानदेही करने गए पुलिसकर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस दल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उनकी टीम का नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और उनके परिवार ने जमकर विरोध किया। जानकारी दे दें कि विवाद दो पक्षों में है। पहले पक्ष ने आरोप लगाया कि चेयरपर्सन प्रतिनिधि के अन्य नंबर के प्लाट की रजिस्ट्री करवाई है, जबकि कब्जा दूसरे नंबर की जमीन पर किया हुआ है। और उधर दूसरे पक्ष यानी चेयरपर्सन प्रतिनिधि के आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि जमीन उनकी है जिसको जबरन खाली करवाया जा रहा है। ये गड्ढा खाद की निशानदेही है जी, मालिकों के गड्ढे खाद है और तेली बड़ा के जमींदार उनके गड्ढे खाद है। आज निशानदेही इनकी कब्जा जिनका है वो निशानदेही करके पता लगे कौन कब्जे है, यानी कि आगे आगामी कार्रवाई क्या रहेगी। आगामी निशानदेही करके रिपोर्ट दी जाएगी, इसके बाद पता लगेगा इसका कब्जा नजायज कब्जा है। खरीदे हुए गड्ढे 95 दे ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ 95 ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। नांगल चौधरी के गांव बिहारीपुर में ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गांव के आम रास्ते में जल्द से जल्द सड़क के निर्माण करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत से सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों ने बताया कि सड़क न होने से यहां पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।